हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो मैं आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जामिनेशन 2021 कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। तो आपका 24 अगस्त 2021 पैट एग्जाम था। मुझे उम्मीद है कि पैट एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखिए, पैट एग्जाम में लगभग कितने स्टूडेंट ने दिया था, लगभग 15 लाख स्टूडेंटों ने दिया था। उसमें दो रीजन थे। एक रीजन तो 24 तारीख को दो पेपर थे, 24 अगस्त 2021 को दो पेपर थे, एक तो पैट का और दूसरा था एसएससी का एग्जाम था। तो इसके कारण पहले तो बताया जा रहा था कि एसएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ, एक ही दिन दोनों रख दिए। तो इसके कारण कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे पैट में, जो कि 15 लाख ही बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखो भाई, मैं जितनी बताऊँगा उससे या तो कम रहेगी, दो नंबर कम रहेगी, या ज़्यादा रहेगी। तो देखिए, जानते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम मेल की बात करते हैं, फिर फीमेल की बात करते हैं। अब मेल में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इसी प्रकार फीमेल में जनरल, उसके बाद ओबीसी, एससी और फिर एसटी। तो देखिए, मैंने सर्वे किया था, तो जो पैट का एग्जाम बच्चों का, अधिकतर बच्चों का अच्छा हुआ है, मोस्टली बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है। तो देखते हैं। देखो, जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो रहेगा लगभग 55 से 60 के बीच में, इसमें दो कम हो सकते हैं, दो बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा यही रहेगा, क्योंकि मैं भगवान तो है नहीं भाई, मैं सर्वे के ऊपर बता रहा हूँ। अब उस ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का रहेगा आपका 53 से लेकर 58 तक। अगर एससी की बात करें हम, तो एससी में जानिए आप 48 से लेकर 53 तक। अगर हम एसटी की बात करें, एसटी का रहेगा 35 से लेकर 42 तक। एसटी की बात करें तो 35 से लेकर 42 तक। यहाँ फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो देखो फीमेल कैंडिडेट का कुछ थोड़ा कट ऑफ जो रहता है वो कम रहता है। तो देखिए, फीमेल की बात करें तो जनरल का कितना रहेगा, जनरल का रहेगा लगभग 52 से 56 तक, ओबीसी का रहेगा 47 से 52 तक। अब बात करते हैं हम एससी कैंडिडेट की, फीमेल एससी कैंडिडेट है उसमें देखिए, इसमें रहेगा आपका 38 से 42, और जो एसटी कैंडिडेट है उनका रहेगा 35 से 40। तो देखिए, ये एक्चुअल में यही नहीं है, इससे दो अंक ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो अंक कम भी हो सकते हैं। तो यूपीएससी का इसको देख लीजिए आप अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा रहा होगा, अच्छा गया होगा। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।